ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हम लोगों ने बर्थडे की सेटिंग कर ली है और रात के 12 बजे का टाइम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेटिंग हमारी हो गई है क्योंकि सुबह टाइम नहीं होगा, तो इस टाइम पे हमने दोनों ने मिलके सारी डेकोरेशन कर ली है। इंशाल्लाह सुबह फिर इब्राहिम की बर्थडे है तो सुबह आपको सारी दिखाऊंगी दिन की रूटीन क्या है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज इब्राहिम की बर्थडे है। इब्राहिम आपकी बर्थडे है? आज इब्राहिम की बर्थडे है और उसके चाचू और पापा केक लेने के लिए गए हैं, तो जैसे ही आते हैं तो इंशाल्लाह इसकी बर्थडे स्टार्ट करते हैं। इन्होंने खाना बना लिया है, आज हम लोगों ने घर का ही खाना बनाया है। बाहर का हम लोगों ने खाना ऑर्डर नहीं किया, आज हमने घर में ही खाना बनाया है। तो रात को हमने सेटिंग कर ली थी, मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया है स्टार्ट में ही। तो चलें फिर वो जैसे ही आते हैं तो इसकी बर्थडे स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी बर्थडे के लिए, तो चलें मेरे साथ रहिएगा जी। और बिलाल को जो भूख लग गई है, बिलाल ने अपने खाना स्टार्ट कर लिया है। चलें ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा जी। इनको मैंने शावर दे दिया और माशाल्लाह देखें कि कैसे लग रहे हैं इब्राहिम और फातिमा और मोहम्मद बिलाल के और इब्राहिम के। एक जैसे ईद के कपड़े थे तो वो मैं साथ लेके आई थी, तो बस वही पहनाए हैं। तो यहाँ पे भी ठंड ज़्यादा हो गई है। हर बर्थडे पे हम लोग बाहर से ऑर्डर देते हैं खाने का, इस दफ़ा हम लोगों का बाहर का मूड नहीं था, KFC पिज़्ज़ा कुछ भी खाने का मूड नहीं था, इसलिए सिस्टर ने घर पर ही बिरयानी बना ली है। तो इंशाल्लाह घर पर ही सारे सिस्टम कर लिया हम लोगों ने। और रात को खाला और चाचू ने इसको गिफ्ट लेके दिए, उसने खोल भी लिए। गाड़ियाँ छोटी छोटी लेके दी हैं, इसको गाड़ियाँ चाहिए थी, बैग भी रख लिए। हाँ बैग में भी रख दिए, इसने निकाल के सारी पैकिंग खोल दी है उसकी। मोहम्मद इब्राहिम रेडी हो गया अपनी बर्थडे के लिए। कितना सीरियस होके खड़ा हुआ है इब्राहिम, अच्छा लग रहा है। हिना ने बिरयानी रेडी कर ली है और उसके बाद रायता भी रेडी है। तो जैसे वो लोग आते हैं केक लेके, तो इंशाल्लाह फिर बर्थडे स्टार्ट करते हैं। लगाएं आप? लगाएं जी, लगाएं। चलो आगे दिखा के। चलो जी, हैप्पी बर्थडे कौन कहेगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू ब्राइम। हैप्पी बर्थडे फूकी नहीं है। और जोर से बिलाल भी कर रहा है, बिलाल भी कर रहा है। अच्छा ओ चलो फिर बनाना, केक काटनी। चलो काटो, चलो वाओ, चलो अभी खिलाओ भी सबको। आपने खिला रहे ना? अच्छा खान साहब स्पून दे देना, स्पून के साथ खिला दे। बस ठीक है। अच्छा चले, बर्थडे बॉय ये चीज पहले बर्थडे बॉय खाएगा ना भाई। अच्छा
इसको ज्यादा जल्दी है। अच्छा इसको ज्यादा जल्दी है। चलो फातिमा की बारी अभी। आप खुद ही खा ले। चले इब्राहिम इब्राहिम। मोहम्मद बिलाल ने तो खाना खा लिया ना, इसलिए केक के लिए बैठा हुआ है ना। ये ले बिलाल साहब। ये मोहम्मद बिलाल का आजकल केक बहुत शौक से खाता है, पहले नहीं खाता था। जी इब्राहिम। इब्राहिम की बारी है। अब इब्राहिम की बारी है। इब्राहिम भी जा रहे हैं कि मुझे केक दे दिया जाए। ये ले इब्राहिम, आप भी खाओ। चलो ठीक है, खाओ। बड़े बड़े पहले खाना खाएंगे फिर केक खाएंगे। हाँ, बाद में खाएंगे ना। कितना अच्छा उसने प्लेट हाथ में पकड़ी है, वो देखो। हाँ। एक हाथ से खा रहा है और एक हाथ में प्लेट पकड़ी है। वो तो अपना खाना खाना वो कर चुका है ना, फारिग हो चुका है खाना खा के। केक की बारी है। इब्राहिम की बर्थडे के बाद शाम को हम अलगराफा पार्क आए हैं। चले आपको विजिट कराते हैं। हम लोग खुद फर्स्ट टाइम देखने लगे हैं। मेरे साथ रहिएगा। चलो 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 जी, ये देखें जी, माशाल्लाह स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। फ्लावर्स बने हुए। चलाओ। अच्छा ट्रेन मोहम्मद इब्राहिम बेटे ट्रेन चला रहा है और फाफा चढ़ गया आगे। चलो खेलो फातिमा बेटा। जी ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।